सभी को सादर नमन। मैं डॉक्टर पूनम श्रीवास्तव, सल्तनत बहादुर पीजी कॉलेज बदलापुर जौनपुर। मैंने बचपन से सुना है कि समय बहुत बड़ा गुरु है और बड़ी कभी कभी बहुत कड़ा रुख अपना करके शिक्षा देता है। उसी समय को केंद्र बना करके मैंने एक छोटी सी कविता लिखने का प्रयास किया है। सुनिएगा, कविता का शीर्षक है समय। बुद्ध ने कहा सब्बम दुखम, बात समझना आई थी। बुद्ध ने कहा सब्बम दुखम, बात समझना आई थी। जगने संतों की दुनिया अलग अलग बतलाई थी। जगने संतों की दुनिया अलग अलग बतलाई थी। जग का ये कहना था कि ये तो संतों की बातें हैं। जग का ये कहना था कि ये तो संतों की बातें हैं। हम संसारी हैं, हमारी तो अलग अलग दिन रातें हैं। यही सोचकर हम सब चंचल बनकर समय व्यतीत किए। यही सोचकर हम सब चंचल बनकर समय व्यतीत किए। अपने अपने वर्तमान को हम सब व्यर्थ बिताकर अतीत किए। मेरा जीवन मेरा जीवन मेरा जीवन कह करके, मेरा जीवन मेरा जीवन मेरा जीवन है कह करके, खुद भरमी थी दुनिया सारी और सबको भरमाई थी। बुद्ध ने कहा सब्बम दुखम, बात समझना आए थे। हर मानव मन विदीर्ण हुआ जा रहा देख समय की लीला को। हर मानव मन विदीर्ण हुआ जा रहा देख समय की लीला को। समय क्रूर सब देख रहा, कोई फर्क न पड़ा अटीला को। समय अभी बदल जाए, विनाश की गति रुक जाए। प्रगति दे उपहार मनुज को, हास आए और रुदन जाए। सीख गया मानव समय से, सदगुण अपने वहन करेगा। सीख गया है मानव समय से, सदगुण अपने वहन करेगा। दुर्गुण त्याग के सत्यनिष्ठ हो, जीवन अब निर्वहन करेगा। सभी के मन को दिया समय ने सीख गहन करुणाई की। सभी के मन को दिया समय ने सीख गहन करुणाई की। बुद्ध ने कहा सब्बम दुखम, बात समझना आई थी। बुद्ध ने कहा सब्बम दुखम, बात समझना आई थी। सभी को ढेर सारा धन्यवाद। ईश्वर की अनंत कृपा सभी पर बनी रहे, सभी दीर्घायु हों। धन्यवाद।